हेलो वेलकम यू ऑल। आज है 30 अप्रैल और आप सभी के लिए फिर से एक इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, जहां क्वार्टर फोर रिजल्ट आने से पहले आज इसमें हमने अपवर्ड मूवमेंट देखा रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तो अब आ चुके हैं इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट, जिसके बेसिस पे आज अपवर्ड मूवमेंट देखा। साथ ही साथ राइट इशू के बारे में क्लैरिटी आ चुकी है और राइट इशू में रिटेल इन्वेस्टर क्या करें, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करें। साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक बड़ा अपडेट कि इंप्लॉयज की सैलरी काटी गई है, तो आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा जिसके बेसिस पे आपको मदद मिलेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर पे डिसीजन लेने की मदद कि आपको क्या करना चाहिए। वहीं करेंगे शेयर के मूवमेंट का एनालिसिस कि इस रिजल्ट के बेसिस पे हमारे को क्या देखने को मिल सकता है। तो आपके सामने है रिजल्ट। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज थर्सडे के दिन लगभग 38.73% ईयर ऑन ईयर बेसिस फॉल बताया है अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में। प्रॉफिट मात्र रहे हैं 6,348 करोड़ फॉर द क्वार्टर March 31st। तो जहां कंपनीज अगर पुराने रिजल्ट देखो 11,500 के ऊपर ही मैक्सिमम अपना रिजल्ट देती थी प्रॉफिट में, तो वहां प्रॉफिट में हो चुका है फॉल, वो भी छोटा नहीं बहुत बड़ा 38.73%। तो ये है आज की ब्रेकिंग न्यूज। रिलायंस इंडस्ट्रीज को इस इन्फेक्शन की वजह से इतना बड़ा रिजल्ट में घाटा देखने को मिला, मतलब कि फॉल हुए हैं प्रॉफिट्स में। वहीं रेवेन्यूज भी डिक्लाइन हुए हैं लगभग 2.30% जो कैलकुलेट होके आ रहे ईयर ऑन ईयर बेसिस 1.39 लाख करोड़। तो कितना बड़ा अमाउंट है आप खुद ही सोच लीजिए, जितना बड़ा हाथी उतना ही बड़ी गिरावट। तो कंपनी ने आज राइट इशू भी, इंडिया का सबसे बिगेस्ट राइट इशू भी डिक्लेयर किया है, जो लगभग वैल्यू करता है 53,125 करोड़, जो रेशो रहेगा 1:15 रेशो रहेगा, जो प्राइस में अगर कोई खरीदना चाहता है राइट इशू के माध्यम से उसको एक शेयर का प्राइस 1,257 पड़ेगा। तो अगर आपको ये खरीदना है डिस्काउंट में मिल रहा है, तो अप टू 15% के डिस्काउंट में मिल रहा है करंट मार्केट के प्राइस से। तो आपको अगर खरीदना है तो कैसे खरीदते हैं इस राइट इशू को, राइट इशू को जैसे आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं वैसे ही राइट इशू में, अगर आपका बैंक सपोर्ट करता है, अगर आप बैंक के अकाउंट से करते हो या आपके जो ऐप है जिससे आप ट्रेडिंग करते हो उसमें अगर सपोर्ट करता है, तो आप आईपीओ के थ्रू जैसे खरीदते हैं वैसे ही इसको खरीद सकते हैं। इसमें आपको ये डिस्काउंट प्राइस में मिलेंगे या ना मिलेंगे वो बात के बाद, पहले आप अप्लाई करिए। इसमें भी पता लगेगा कितने लोगों ने अप्लाई किया कितने लोगों ने नहीं किया, उसके बाद आपके जब ये फिक्स हो जाएगा जिस दिन डिक्लेयर करेगा उस दिन आपके डीमैट अकाउंट में आपको ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना है तो अभी करंट वैल्यू के हिसाब से 15% के डिस्काउंट मिल रहा है। तो राइट इशू इंडिया का बिगेस्ट राइट इशू देखने को मिला है, तो इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? शेयर होल्डर कर सकते हैं जो इसमें पहले से इन्वेस्टेड है, इसके थ्रू रिलायंस के बिजनेस में स्ट्रांग मिलेगी, इनको डेबिट क्लियर करने में मदद मिलेगी इस क्या बोलते हैं राइट इशू के तहत। वहीं अगर बात करें तो इन्होंने लगभग 6.50 पैसे का डिविडेंड भी इशू किया है फॉर द मार्च एंडिंग 31st। वहीं आपके साथ बात रखना चाहूँगा टेलीकॉम सेक्टर का, जो बहुत ही बड़ी चर्चाओं में चला है कि जियो का आईपीओ भी आने वाला है, पर अभी जियो के आईपीओ के बारे में इन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं की जियो का आईपीओ आएगा, पर लगभग टेलीकॉम सेक्टर से इन्होंने लगभग अपसाइड देखने को मिली है इनको 177.50%। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो 72% मिली है क्वार्टर टू क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर बेसिस 177.50। तो जियो ने लगभग कहीं इनका रिजल्ट संभालते हुए दिखाया है, जो लगभग इनके नेट प्रॉफिट रहे जियो की तरफ से वो लगभग 2,331 करोड़ के रहे, और इनके सब्सक्राइबर भी ग्री हुए हैं लगभग 26.30%। अब हो चुके हैं टोटल 387.50 मिलियन इनके कस्टमर, और एक यूज़र का जो एवरेज आ रहा है निकल के कि एक यूज़र कितना खर्च करता है इनका पैसा, वो लगभग 130.60 रुपये पर मंथ के हिसाब से इनका यूज़र एक खर्च करता है, और सब्सक्राइबर देखिए कितने ज़्यादा है, और एक यूज़र इतना खर्च करता है तो कितना बड़ा है इनका
मुनाफा इससे रहता है। वहीं करते हैं अब बात की जो इन्होंने इम्प्लॉयज़ की सैलरीज कट की है, तो जिनके हाइड्रोकार्बन के बिजनेसेस थे वो इम्पैक्टेड थे। डिमांड जो है रिफाइनी प्रोडक्ट्स के और पेट्रोकेमिकल के वो कम हुए हैं, और इसकी वजह से इनके हाइड्रोकार्बन के बिजनेस पे काफ़ी असर देखने को मिला है, जिसकी वजह से इन्होंने जिस चैलेंजेस की वजह से इन्होंने कुछ डिसीजन लिए हैं इनके चेयरमैन के द्वारा लिए गए, मुकेश अंबानी जी के द्वारा लिए गए हैं, जिसमें दिखाया है कि इन्होंने लगभग 30-50% होगी कंपनसेट, मतलब कि 30-50% तक की लोगों की सैलरी काटी जाएगी। किन लोगों की सैलरी काटी जाएगी? जिनके 15 लाख से ज़्यादा के पैकेज है उनकी काटी जाएगी और बाकी की नहीं काटी जाएगी। तो सैलरीज कट भी हमारे को इन रिजल्ट्स का इफेक्ट देखने को मिला है रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से, कि इम्प्लॉयज़ की सैलरी कट होते हुए दिख रही है। वहीं अगर हम आए इनके टेक्निकल चार्ट में, ये चिकमोई क्लाउड का चार्ट मैंने आपके सामने रखा है वनडे में, तो इसमें शानदार तेज़ी हमारे को देखने को मिल रहा था। क्लाउड्स नीचे थे या बुलिश अपवर्ड ट्रेंड था, लैगिंग भी हमारे को अपवर्ड मूवमेंट में क्लियरली दिखाई दे रही थी। तो अगर तो इस क्लाउड्स के हिसाब से, इस चार्ट के हिसाब से देखा जाए कि अभी भी इसमें हमारे को अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, पर अब आ चुके हैं रिजल्ट्स, तो रिजल्ट्स में हम क्या करें? तो अभी भी ये देखोगे, चार्ट देखोगे तो ये मतलब कि बहुत ही शानदार रिकवरी हमारे को देखने को मिली थी, जहाँ ये 850 के प्राइस के आसपास था, उसके बाद इसमें ने शानदार रिकवरी फेसबुक डील के बाद तो इसमें रॉकेट बनता हुई हमारे को दिखा। तो अभी बॉलिंजर बैंड में देखोगे तो आप, मैंने आपके सामने बॉलिंजर बैंड रखा है, तो बॉलिंजर बैंड में अपसाइड में है, बिल्कुल अप ट्रेंड में काम कर रहा है। अब इसमें हमारे को देखने को इस रिजल्ट्स की वजह से हमारे को गिरावट देखने को मिल सकती है, राइट इशू की वजह से भी थोड़ा बहुत हमारे को डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये 1300 डेफिनेट हमारे को टच करता हुआ दिखेगा, और इसको जो सपोर्ट मिलेंगे वो 1353 के आसपास और 70 के आसपास मिलेंगे, क्योंकि यहाँ इसके 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है जो है पर्पल कलर में, और जो है ब्लू कलर में ये इसका 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। वहीं अगर बात करें फिबोनैची रिट्रेसमेंट की, तो रिट्रेसमेंट भी लगभग उसी प्राइस पे हमारे को इसको सपोर्ट दिखा रहा है, लगभग 1350 के आसपास, जो लगभग कैलकुलेट होके आता है 38.2% पे। और वहीं अगर बात करें तो अभी RSI की बात करोगे तो 70 पे है, मतलब कि ओवर बॉट कंडीशन में पहुंचा हुआ ही है किस्म से शेयर। अगर आप देखोगे पिछले 3 ट्रेडिंग डे में तो 1500 ये टच को तोड़ नहीं पाया, 1500 पे टिका हो, तो अभी शेयर दिख रहा है 70%। मैं तो वैसे 80% लेता हूँ ओवरसोल्ड कंडीशन में, ओवरबॉट कंडीशन में सॉरी, तो अभी ओवरबॉट कंडीशन में भी ये लगभग दिख रहा है, और साथ ही साथ न्यूज़ भी ऐसी आ रही है और साथ में राइट इशू भी है, तो ये तीनों चीज़ें का इफेक्ट डेफिनेटली शेयर पे हमारे को देखने को मिलेगा। इसमें डाउनफॉल एक्सपेक्टेड किया जा रहा है मेरी तरफ से तो एटलीस्ट। और वहीं देखोगे तो मैकडी में भी पॉजिटिविटी बनी हुई है, पर रेड कैंडल्स थोड़ी प्राइस में वीकनेस शो कर रहा है, मतलब कि इस पे अपर लेवल पे प्रेशर आता हुआ दिख जाता है। वहीं करेंगे आज डिलीवरीज, तो लगभग 28.47% की इसमें डिलीवरीज देखने को मिली है, तो ये लोग वो भी हो सकते हैं जो रिलायंस को रिजल्ट को लेकर पॉजिटिव हो, या फिर जो हमारा ये अभी राइट इशू आने वाला है इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, शेयर को सस्ते भाव में खरीदना चाहते हो, तो ये वो लोग हो सकते हैं। तो आज इसमें रिजल्ट से पहले लगभग 2% का तेज़ी देखने को मिला, और रिलायंस आज 37.05 पॉइंट्स अपवर्ड मूवमेंट में हमारे को दिखा रिजल्ट से पहले। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में हमारे को इसमें डेफिनेटली एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो रिटेल इन्वेस्टर अपना इसमें अगर पहले से बने हैं तो वो अपर लेवल पे अपना प्रॉफिट बुक कर ले, और जब शेयर ले लोअर लेवल पे आ जाए अपना बेस बनाने लगे तो वहाँ पे आप इसको द्वार से खरीद के फिर से री एंट्री कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, पहले अपनी थोड़ी बहुत आप भी रिसर्च कीजिए और उसी के बाद अपना थोड़ा डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों वीडियो लगी अच्छी तो प्लीज़ सपोर्ट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को यार, मोटिवेशन मिलता है कमेंट सेक्शन में, अपने कमेंट कीजिए, अपनी क्वेरीज पूछिए, डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा, मेरा जॉब बनता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।